2020 में मैक पैकर नाम के एक विशेषज्ञ ने बताया था कि अगर हम वर्ल्ड के सारे कोरोना वायरस को इकट्ठा कर लेते हैं तो उनका वेट कुछ 8 ml होगा, यानी कि हम उनको एक टीस्पून में समा सकते हैं। अगर हम कोरोना वायरस की साइज की बात करें तो उनकी साइज है 20 nanometer, यानी कि 1 centimeter का 50,000वां पार्ट। और आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे से वायरस ने पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा के रख दिया है और अभी तक उसने 30 लाख से भी ज्यादा लोगों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही है कि हमारी बॉडी का बेसिक पार्ट जो है सर, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस क्यों रखा गया है और ये किन चीजों का बना हुआ है और ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है और हमारी बॉडी सिस्टम के साथ मिलके उसके मुनाफे के लिए वो हमारी बॉडी सिस्टम को कैसे यूज करता है। तो मैं हूँ आपके साथ विश्वा पटेल और आप देख रहे हैं विश्वा एस नॉलेज चैनल। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं हम सेल की, यानी कि सेल हमारी बॉडी में कैसे वर्क करता है। अगर सेल की हम बात करते हैं तो सेल के अंदर होता है सेल सेंटर और जिसके अंदर होता है डीएनए और डीएनए के अंदर होता है आरएनए। उस आरएनए को हम रूल बुक कह सकते हैं। अभी हम अगर सेंटर से बाहर जाए तो सेंटर से बाहर एक मशीन होती है जिसको हम रिबोसोम कहते हैं और सेल का जो मेन वर्क है जो कि है प्रोटीन बनाना वो रिबोसोम करता है। और रिबोसोम प्रोटीन कैसे बनाता है वो हमें पता चलता है आरएनए से, यानी कि आरएनए को हम अपनी रूल बुक कह सकते हैं। आरएनए में लिखा होता है कि प्रोटीन कौन से टाइम पे कौन सी मात्रा में। और अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के संविधान की, यानी कि कोरोना वायरस कौन सी चीजों से बना है और उसका नाम कोरोना वायरस क्यों और कैसे रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोरोना वायरस के सबसे बाहर के लेयर की, जो कि बना होता है प्रोटीन से, और कोरोना वायरस का अंदर का पार्ट जिसमें होता है आरएनए, और उसके सबसे बाहर नुकीले कांटे होते हैं जिसको हम स्पाइक प्रोटीन या एस कोरोना वायरस के नाम की। तो कोरोना यानी कि क्राउन यानी कि ताज और वायरस यानी कि जहर। जो कोरोना वायरस के ऊपर के नुकीले कांटे होते हैं जिसको हम स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन कहते हैं, जो कि ताज के ऊपर के हिस्से की तरह दिखते हैं, इसलिए उसको ताज का उपमा दिया गया है। और जो कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी में जाके जहर की तरह फैल जाता है, इसलिए उसको, जैसे कि हम घर में दीवार में से एंटर नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हमें दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ता है और हम दरवाजे से ही घर में एंटर हो सकते हैं, तो वैसे ही जो कोरोना वायरस है वो भी डायरेक्टली हमारे सेल में एंटर नहीं हो सकता है, उसके लिए उसको भी उसका दरवाजा ढूंढना पड़ता है और वो दरवाजे से ही अंदर जा सकता है। तो उसके ऊपर जो लगे होते हैं स्पाइक प्रोटीन वो की का काम करते हैं, जो कि कोरोना वायरस को दरवाजा खोले वो हमारे कोष दीवार पर बैठे हुए ACE2 नाम के रिसेप्टर पे बैठ जाता है और वहां से वो ताला खोल के होगा कि जैसे कि डीएनए अपने आरएनए रिबोसोम्स को भेजता था वैसे ही वायरस भी उसके आरएनए रिबोसोम्स को भेजेगा, जिससे कि क्या होगा कि रिबोसोम्स डीएनए के आरएनए को साइड में रख के वायरस के आरएनए को प्रोसेस में लेगा और उस आरएनए का मतलब होता है रूल बुक, और रूल बुक में सिंपल सा लिखा होता है कि उसको उस वायरस के जैसे ही दूसरे वायरस यानी कि उसके डुप्लीकेट बनाने हैं। तो उस हिसाब से रिबोसोम्स वर्क करता है और उसके जैसे ही डुप्लीकेट बहुत सारे वायरसेस बना देता है और वो सारे वायरसेस मिलके सेल की सेल वॉल को तोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं और फिर वही सारे वायरसेस सेम सिस्टम अपनाते हैं और ऐसे ही दूसरे सेलों में जाके अपने डुप्लीकेट बनवाते हैं और जिससे कि पूरी बॉडी में वायरस फैल जाती है, डेथ हो जाती है। तो प्लीज आप इस बात का ख्याल रखिए कि ये आपके साथ ना हो, और इसीलिए
मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, और अभी तो वैक्सीन भी आ गई है तो प्लीज़ टेक वैक्सीन, वैक्सीनेशन करवाइए। और हाँ, मैंने कोरोना पे एक ड्राइंग बनाई है, सो सी कैसी लगी आपको ये ड्राइंग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं भगवान को बस इतना ही कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहिए ईश्वर, बस इंसानों को सांसें दे दो। दुनिया में मची इस तबाही को बस अब तुम विराम दे दो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको यूं ही ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहे। सो बाय बाय, टेक केयर, बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, मेरा अगला वीडियो होगा वैक्सीनेशन के बारे में, कि वैक्सीन हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट करती है, तो देखना।